नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। श्री बंशीधर नगर से खबर। शहर के चचेरिया स्थित राजकीय कृत अंबालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय परिसर रविवार को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, सांसद बीडी राम, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने संयुक्त रूप से प्रखंड क्षेत्र के 73 दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्षों को तलवार व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया तथा पूजा कमेटी को सहयोग राशि भी प्रदान किया। सम्मानित करने से पूर्व भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने बुके, शॉल उड़ाकर व दुर्गा माँ देवी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने सभी नगरवासियों को शारदीय नवरात्र व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को सवारने व सजाने का काम हिंदू धर्म ही कर सकता है। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह कार्यक्रम वह अपने धर्म व अपने पूर्वजों के दौर से चला रहे हैं। ये रीति रिवाज की परंपरा को हम अपनी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं और अपने सनातन धर्म का पताका फहराने के लिए कर रहे हैं। श्री शाही ने कहा कि उनकी सोच है कि आपसी भाईचारे के साथ सब लोग मिलकर पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वह अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक पूजा पंडाल व कमेटी को स्वयं पहुंचकर सहयोग करते थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उन्होंने पूरे प्रखंड के एक एक गांव जिसमें 73 दुर्गा पूजा कमेटी को एक जगह एकत्रित करा है और एक जगह सभी पूजा कमेटी को जुटाकर वो आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए इस बार एक ही जगह सबको सम्मानित कर रहे हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी, वरिष्ठ भाजपा नेता शारदा महेश प्रताप देव, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, अलकनाथ पांडे, संतोष दुबे, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे, मुकेश चौबे, जिला प्रभारी अमित कुमार, एसी मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मण राम कुमार कनिष्क, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी, पूर्व प्रमुख रविंद्र पासवान, पूर्व मुखिया राकेश चौबे, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, विभूति भूषण चौबे, दिनेश्वर प्रताप देव, लाला पासवान, हीरा प्रसाद, नवयुवक क्लब अध्यक्ष अजय प्रसाद, जय भामाशाह क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का अध्यक्षता मंडल अध्यक्षता विकास पांडे ने की। मंच का संचालन अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता ने किया। करने वाले हैं और ऐसे समय में, पावन पवित्र समय में प्रदेश के संगठन महामंत्री जो अभी महीनों पहले हम लोगों के झारखंड प्रदेश के देश देश के लिए हम लोगों के अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, कार्यकर्ताओं को राह दिखाने वाले और हम सभी लोगों को संगठित करके खोई हुई सत्ता को पुनः वापस पाने के लिए दिशा दिखाने वाले ऐसे संगठन महामंत्री जी का पदार्पण हमारे पावन पवित्र विधानसभा के इस वंशी नगर के धरती पर हुई है। हम चाहते हैं कि पूरे पूजा पंडाल कमेटी के लोगों के द्वारा एक जोरदार ताली लगा करके हमारे संगठन महामंत्री आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस वंशीधर के नगरी पर आप बाबा वंशीधर का आगे दर्शन करेंगे और इस सम्मान समारोह का शुभारंभ भी आपके हाथों किया जाएगा। मैं छोटा सा केवल इस कार्यक्रम के लिए जानकारी संगठन महामंत्री जी को देना चाहूंगा। हमारे इस प्रखंड के शहरी और ग्रामीण दो भाग हैं, नगर पंचायत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। दोनों क्षेत्र के 73 स्थानों पर पूजा पंडाल इस प्रखंड में रखे गए हैं और स्वभाव से 73 के 73 स्थान पे हमारे पूजा कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और पदाधिकारी आए हुए हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका उद्बोधन, आपका प्यार, आपका स्नेह कैसे सनातन को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, इस दिशा निर्देश में हम दो शब्दों में आपका आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। और आज मेरी सेवा के ऐसी भूमि पर वंशीधर ये भूमि है तो हम सब समझते हैं कि वंशीधर माने क्या होता है और इस पूरे प्रखंडों के जो पूजा समिति के जो आए हैं आप सबको हाथ से बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो पहली बार झारखंड में आया लेकिन हर प्रदेश का अलग कार्यक्रमों का स्वभाव होता है। हम पहले जानते थे कि बिहार
में दुर्गा पूजन और छठ पूजन एक और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सारे कार्यक्रम बंद किए जाते हैं, एक बड़ा मतलब उत्साह होता है। ये हम सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, आज मैं खुद भी देख रहा हूँ। कई लगातार आप नहीं हूँ तो आपका लेकिन लगातार मंडप देगा एक भव्यता का स्वरूप, इसको एक सजाने का काम सनातन को सजाने का हिंदू समाज ही करता है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाएंगे तो श्रावण मास में कांवड़ यात्रा है लंबी, करोड़ों कांवड़ देखने के लोग जाते हैं। जैसे हमने पांडा बनाया थे वहां भंडारे करते हैं। श्रावण मास में जाएंगे तो मथुरा में करोड़ों लोग आते हैं। हर प्रदेश के विभिन्न प्रकार है। हमने कहा भी कि ये जो भारत देश है इसमें विभिन्नता है, विभिन्न पूरे प्रदेश का आधार है, लेकिन सब मिलाकर एक ही है। विभिन्नता में एकता यही भारत की विशेषता है। दुनिया में इसको मोड़ होना है, ऐसा ये भारतवर्ष है। उसमें भी झारखंड की धरती यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की भूमि, यहाँ पर बारह ज्योतिर्लिंगों में ग्यारह तिथिया सूर्य के नाम से उठ गया, लेकिन यहाँ तो देशा साध जाएंगे तो सूर्य पार दोनों की पूजा होने वाला है। सभी प्रकार के तीर्थ स्थान यहाँ पर विराजमान है। ऐसी भूमि को सुरक्षित संरक्षित करने का मिलेनियम पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन साइंस कॉमर्स आर्ट्स सेशन 2022 एंड 2023 प्री नर्सरी टू 11 यस प्री नर्सरी टू 11 एडमिशन ओपन अफिलिएटेड टू CBSE 10+2 फ्री प्रिपरेशन फॉर IIT GNET नोट फ्री एडमिशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टीचर्स वेल डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैब Smart classroom, eminent sports facilities, under surveillance of CCTV, hostel facilities available, green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Pureni and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhwa. For more details, please contact on given numbers. Thank you.